डायरेक्ट रेड्यूस्ड आयरन DRI, जिसे स्पॉन्ज आयरन भी कहा जाता है, प्राकृतिक गैस से उत्पादित एक कम करने वाली गैस या मौलिक कार्बन द्वारा आयरन ओर की प्रत्यक्ष कंपनी के उत्पन्न होता है। आयरन ओर अनेक प्रत्यक्ष रिडक्शन के लिए उपयुक्त होते हैं। स्पॉन्ज आयरन का उपयोग आयरन और स्टील उद्योग में इंडक्शन और इलेक्ट्रिकल आर्क फर्नेस के स्क्रैप के विकल्प के रूप में किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में महंगे पिघलने वाले स्क्रैप की कमी ने स्पॉन्ज आयरन को उच्च गुणवत्ता वाले स्टील के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल बना दिया है। मार्केट में बढ़ती डिमांड के कारण आज मिडी यानी महाराष्ट्र इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट आपके लिए लेकर आए हैं स्पॉन्ज आयरन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पर एक विशेष डॉक्यूमेंट्री। रॉ मटेरियल हेमाटाइट आयरन कोल, डोलोमाइट, प्लांट एंड मशीनरी, स्पॉन्ज आयरन प्लांट जिसमें स्पॉन्ज आयरन ब्रिकवेटिंग मशीन, रीहीटिंग फर्नेस, कोल गैसीफायर, रोटरी किन, कन्वेयर बेल्ट, कूलर, स्टॉक बंकर का समावेश हो। प्रोसेस, भारत में ज्यादातर कोयले पर चलने वाले DRI प्लांट होते हैं। प्रोसेस की शुरुआत रॉ मटेरियल जैसे कि आयरन ओर्स और डोलोमाइट को कन्वेयर बेल्ट के सहायक से रोटरी किन में भेजा जाता है। इस रोटरी किन को एयर ट्यूब लगे होते हैं जो कि लगातार एयर सर्कुलेट करते रहते हैं। स्टार्टिंग में हीटिंग प्रोसेस सेंट्रल ऑयल बर्नर में पूरी होती है। यह चार्ज जैसे आगे बढ़ता है वैसे ही रोटरी किन में हीट हो जाता है। हीट हुए इस आयरन को कूलिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है जहां इसका तापमान 100 से 80 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। ठंडा किए इन स्पॉन्ज आयरन को स्क्रीनिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है जहां 10 पार्टिकल्स, बड़े और छोटे पार्टिकल्स अलग कर लिए जाते हैं और अंत में इन्हें स्टॉक बंकर में स्टॉक कर लिया जाता है। तो इस तरह स्पॉन्ज आयरन बनाए जाते हैं। एक बिजनेस में लगने वाली मशीनरी और फाइनेंस के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हो या स्क्रीन पे दिए गए वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। ऐसे ही नए बिजनेस आइडियाज के लिए आप हमारे YouTube चैनल मिडी उद्योग विश्व को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।